बलिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एसपी ऑफिस में बड़ी संख्या में एसपी से फरियाद करने आए लोगों को पुलिस ने रोक दिया है। हालांकि इस दौरान लगभग 100 की संख्या में आए लोगों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं मेन गेट को भी बंद कर दिया गया है और किसी को भी अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि फरियाद करने आए लोगों में से एक व्यक्ति राहुल राजभर ने बताया कि एक महीने पहले पकड़ी थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, जिसमें FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी मामले में आज बड़ी संख्या में लोग व समाज सेवी आदित्य राजभर के नेतृत्व में एसपी से मिलने के लिए आए हुए थे। उसी दौरान पुलिस ने सबको एसपी ऑफिस में रोक लिया। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एसपी ऑफिस में क्यों रोक कर रखा गया है और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात क्यों किया गया है। राहुल राजभर। अच्छा राहुल, एसपी ऑफिस पे आप लोग क्या करने आए थे? एक बहन का रेप हुआ है, पकड़ी थाना की बात है। उस बहन को इंसाफ नहीं दिया रहा, आज करीबन 1 महीना 30 दिन हो गया, 1 महीना 15-18 दिन हो रहा, 2 महीना होने वाला है। तो वो लड़की की उम्र क्या थी जिसका? 14 साल उम्र है उस लड़की का। अच्छा, तो आज आप लोग एसपी ऑफिस क्या करने आए? आए तो उसी बहन के मतलब एसपी ऑफिस पे बार बार 8-9 बार आ गया और उसको गाली देकर ऐसे भगा दिया जा रहा था, सुनवाई नहीं हो रही है कोई भी। एसपी ऑफिस उनके चाचा जी आ रहे थे, उन्हीं को भगा दिया जा रहा था। किसके साथ आप लोग काफी संख्या? ये बनारस के हमारे युवाओं के आन बान शान जो आदित्य राजभर जी करके हैं, एक हम लोग के गार्जियन है, उन्हीं के साथ हम लोग आए थे एसपी ऑफिस जी। तो कितनी की संख्या में आप लोग आए थे और क्या हुआ? हम लोग का संख्या करीबन 100 लोग था, लेकिन यहाँ पे प्रशासन लाठीचार्ज करने लगी है तो कुछ बंदे भाग गए हैं, कुछ लोग अंदर हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं। वो भी गए हैं अंदर? क्या आदित्य राजभर जी अंदर एसपी साहब से मिल रहे हैं। तो क्या गेट वेट बंद कर दिया गया? हाँ, गेट बंद कर दिया गया है। गेट वो एसपी साहब वाला अंदर घुसा के बंद कर दिया गया है। किसने लाठीचार्ज किया था? लाठीचार्ज उससे वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने वही किया है। ये घटना 10 तारीख की है। अभी जो घटना घटी है अभी